इधर बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा की 23 अगस्त को रांची के मोरहाबादी में युवा आक्रोश रैली है। इस रैली के माध्यम से भाजयुमो में सूबे की हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम करेगी। इस कार्यक्रम को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर वाउरी ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अभी आप देखिए कि मेरे पास एक सज्जन आए हैं, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। 80 साल के वृद्ध हैं, 2017 में शुरू हुआ, 20 तक उन्हें पेंशन मिला और 20 से 23 तक उनको पेंशन यह कहकर नहीं मिला तो मृत हो गए, मृत घोषित कर दिया, जबकि वो जीवित हैं। अभी एफिडेविट करके दे रहे तो बोला 3 साल का हम लोग नहीं जानते हैं। अभी अप्रैल के बाद मई से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिला है, तो ये नौटंकी नहीं है तो क्या है? आप एक तरफ पुराने लोगों को दे नहीं रहे और दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि हम जो है तो मैया योजना लागू कर रहे हैं, तो ये भी ठगने का काम कर अभी आप रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और अब बीजेपी की ओर से कह सकते हैं जागरूकता रथ को रवाना किया गया है, जिसे हरी झंडी दिखाकर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने रवाना किया। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश लाइव जुड़े हुए हैं, राजेश का रुख करते हैं। राजेश, भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली को लेकर तैयारियां अब लगभग पूरी हो गई है, 36 घंटे का समय लगभग बचा हुआ है, ऐसे में अंतिम दौर में प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, दिन में आज प्रचार वाहन रवाना किए गए थे, वैसे आप पूरे प्रदेश में यूं कहें कि मंडलों तक में बैठक हो रही है इस रैली की सफलता के लिए। बड़ी संख्या में लोग अन्य जिलों से यहाँ रांची पहुँचने वाले हैं, ऐसे कार्यक्रम बनाए गए हैं। आज प्रदेश कार्यालय में भी इसकी समीक्षा की गई, प्रमुख पदाधिकारी जो यहाँ पर थे उन लोगों की बैठक हुई। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जयपाल सिंह स्टेडियम के पास है जहाँ पर एक जुलूस निकलने वाला है और ये जुलूस युवा रैली को लेकर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में देखिए नेता कार्यकर्ता सभी लोग इकट्ठा हुए हैं जो रैली की सफलता के लिए इस मशाल जुलूस में शामिल होने के लिए आए हैं। अभी यह जुलूस निकला नहीं है, ये देखिए विधायक भी पहुंचे हुए हैं। देखिए, ये भवनाथपुर से विधायक हैं भानु प्रताप जी, आपके जिले में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं कि नहीं? झारखंड के हर जिले में हो रहे हैं, हर अनुमंडल मुख्यालय में हो रहे हैं और कई कई प्रखंड में भी हो रहे हैं। ये मशाल जुलूस निकालने के पीछे जो मकसद है, ये संदेश देना कि झारखंड के युवा इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, दमनकारी सरकार के खिलाफ और युवा के जो वादा था उसको ठगने के लिए जाने जाने वाली यह सरकार 5 साल में जो कुछ नहीं किया उसका आक्रोश युवाओं में है और वह आक्रोश 23 तारीख को आपको रांची के सड़कों पर देखने को मिलेगा। पूरा रांची युवाओं से पटा हुआ मिलेगा और इस धोखेबाज सरकार को सबक सिखाने का काम हम लोग 23 तारीख को करेंगे। 23 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, देखिए ये भी है, आप लोगों की भागीदारी रहेगी? देखिए, जन आक्रोश जो अभी सड़कों पर आप देख रहे हैं, ये जेएमएम की जो सरकार जो जनता को ठग कर दिग्भ्रमित कर सत्ता पर काबिज हुई और जितने भी वादे किए आज तक उन्होंने एक भी वादा को पूरा नहीं किया, चाहे वो नौकरी का वादा हो या बेरोजगारी का भत्ता का वादा हो या अनुबंध करने का मामला। देखिए, कपड़ा ना जल जाए। साल जुलूस के पीछे क्या है मकसद? देखिए, जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, सबसे पहले वो अपने आप को आदिवासी नेता कहते हैं, लेकिन आप देखिएगा डेली पेपर में, न्यूज में देखिएगा कि डेली बलात्कार, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या जैसी घटना होती है। और जब से इस सरकार बनी है लूट खसोट युवाओं को ठगने का काम किया है, 5 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगार भत्ता देंगे, गरीब लोग जो बालू मिलता है, बालू से लेबर क्लास का लोग काम करते हैं, बालू का लूट बचाए हुए हैं और पत्थर को चुरा ले रहे हैं, तो इस तरह का भ्रष्टाचार रोज ऊपर रहा। इसलिए तैयारी है महानगर अध्यक्ष? देखिए,
23 अगस्त को 1,00,000 से अधिक युवा आपको सड़कों पर मिलेंगे और सब सिर्फ हेमंत सोरेन से और इस निकम्मी सरकार से 5,00,000 रोजगार का जो इन्होंने वादा किया था और बेरोजगारी भत्ता का जो वादा किया था, लगातार जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, जो नियोजित नहीं कर पा रहे हैं उसके लेकर जवाब मांगने का काम करें। ये जवाब मांगने का समरी लाल जी है, आइए समरी लाल जी, कितनी तैयारी है रैली की? रैली की भरपूर तैयारी है पूरे राज्य में और ये तो रांची का है और आप देख रहे हैं कि तैयारी के युवाओं में जोश और भरने के लिए आज मशाल जुलूस का आयोजन है और ऐतिहासिक मशाल जुलूस होगा। आप बताइए कैसी होगी रैली? आज आप मशाल जुलूस में इसका आगाज आपको दिख जाएगा कि आने वाले आक्रोश रैली में कितनी भारी संख्या में पूरे राज्य से युवा जुटेंगे। सभी लोग उत्साहित हैं, रैली को सफल बनाने का प्रयास हर स्तर पे हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन कौशल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जयपाल सिंह स्टेडियम के पास इकट्ठा हुए हैं। यहाँ से जुलूस निकलेगा, मशाल जुलूस निकलेगा जो अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगा। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, ये सब महिलाएं ये सब पीछे नहीं है। आप लोग पूरी तैयारी किए हुए? क्या तैयारी है बोलिए। एक धक्का और दो। किसको देना है? एक धक्का और दो। और बोलिए, महिला मोर्चा जिंदाबाद। आप लोगों की भागीदारी रैली में कैसी रहेगी? अभी तो देख रहे हैं टेलर है आपके सामने है, 23 तारीख को, 23 तारीख को देखिएगा इसका पूरा पिक्चर आपको नजर आ जाएगा, पिक्चर देखने को मिलेगा। 23 तारीख को बड़ी रैली होगी और जिस प्रकार से तैयारी चल रही है उसमें ये शक नहीं है कि बड़ी रैली नहीं होगी, बड़ी संख्या में लोग नहीं आएंगे। और ये मशाल जुलूस का इस प्रकार का दृश्य देखकर पता चलता है कि लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित हैं। पार्टी के नेता, सीनियर लीडर्स या फिर जूनियर लीडर्स, सभी लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए। धीरे धीरे ये देखिए, यही मशाल जुलूस का दृश्य, हेमंत सरकार के खिलाफ यह रैली है और उस समय भी नारेबाजी हो रही है और यही कहा जा रहा है कि यह सरकार जो है वह युवा विरोधी रही है, अब तक युवाओं को ठगा है। तो ये मशाल जुलूस अब यहाँ से रवाना होने वाला है। आयुष बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब युवा भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते नजर आ रहे, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की अगर बात कर ले, भाजयुमो जो है उसके आक्रोश रैली होने वाली है 23 अगस्त को लेकर। तमाम जिलों में बैठकों का दौर जारी है, कहें बूथ स्तर पर जो भी कार्यकर्ता है वो बैठक में शामिल हो रहे हैं और उन्हें कई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जैसा कि अभी लगातार बोल रहे थे भाजयुमो के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता भी बोल रहे थे कि जो आक्रोश रैली होगी उसमें करीब 1,00,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं इस आक्रोश रैली में। राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी का दौर चल रहा है और इस मशाल जुलूस के बारे में भी हमारे दर्शकों ने सुना कारण क्या है और मशाल जुलूस जो निकाला जा रहा है मौजूदा राज्य सरकार के खिलाफ निकाला जा रहा है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे ये होती है, क्या इस आक्रोश रैली को आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अगर हम भाजयुमो की ही बात कर ले, भाजयुमो के जरिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर रही है? राजेश, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमारा संपर्क, ये जो रैली है निश्चित रूप से ये एक बड़ा कार्यक्रम है और विधानसभा चुनाव में अब थोड़े ही समय बाकी हैं। और देखिए, विपक्ष में है बीजेपी, बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता के बीच लाकर अलग अलग तरह से यह प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार से इस सरकार को नाकाफी बताना है, असफल बताना है, ताकि विधानसभा चुनाव में उसे जनता का आशीर्वाद मिल सके। युवाओं के विषय को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है और यह रैली जो है उनके विषय को लेकर है और यह रैली जो है इसमें भागीदारी बताएगी कि बीजेपी आगे विधानसभा चुनाव के लिए किस तरीके से तैयारी कर रही है। बिल्कुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और भारतीय जनता युवा मोर्चा
कि जो आक्रोश रैली होने वाली है उसकी तैयारियों को लेकर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता राजेश लाइव जुड़े हुए थे और तमाम जानकारी आपसे साझा की गई। और आने वाले 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। प्रचार प्रसार वाहन भी रवाना किया गया है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से 23 अगस्त को जो आक्रोश रैली होगी उसमें कितने कार्यकर्ता शामिल होते हैं और किन किन बिंदुओं पर राज्य सरकार के खिलाफ हमला बोला जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।